हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं सौरभ, आपका स्वागत करता हूं हमारे सॉफ्ट स्टडी यूट्यूब चैनल पर। तो दोस्तों, मध्य प्रदेश शिक्षक भर्ती परीक्षा 2020 का विज्ञापन जारी हो चुका है। इस वीडियो में हम बात करेंगे कंप्लीट सिलेबस की और जानेंगे कि आपको क्या क्या पढ़ना है, किस प्रकार का एग्ज़ाम आता है, किस प्रकार का परीक्षा पैटर्न रहता है और किस प्रकार के क्वेश्चन यहाँ पर पूछे जाते हैं। तो दोस्तों, यह एक अंतिम मौका है आप सभी के पास वर्ग 3 का। यदि आप डीएड बीएड धारक हैं और शिक्षक एक सरकारी शिक्षक बनना चाहते हैं तो दोस्तों, यह अंतिम मौका है। इस बार इस मौके को हाथ से आपको नहीं जाने देना है। तो दोस्तों, जो कंप्लीट सिलेबस है इस वीडियो में देखेंगे और साथ ही साथ इसका विस्तृत परीक्षा पैटर्न देखेंगे और विस्तृत सिलेबस पर इस चर्चा करेंगे। ठीक है, तो बने रहे हमारे साथ वीडियो के अंत तक। वीडियो को लाइक जरूर कर दें, शेयर कर दें अपने दोस्तों तक और चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो रेगुलर अपडेट के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। बेल आइकन को प्रेस कर ऑल बेल नोटिफिकेशन को सिलेक्ट करें। चलिए दोस्तों, इस वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले आपको एग्ज़ाम पैटर्न पर ले चलते हैं। तो दोस्तों, यहाँ पर आपके सामने आ चुका है परीक्षा योजना का कंप्लीट पाठ्यक्रम और ये नवीन पाठ्यक्रम है। तो यहाँ पर देखते हैं दोस्तों कि किस प्रकार का एग्ज़ाम पैटर्न रहता है। तो सबसे पहले देखते हैं 150 अंक का आपका एग्ज़ाम रहता है। 150 प्रश्न पूछे जाते हैं, प्रत्येक प्रश्न एक अंक का रहता है। बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र, जिसे हम चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी के नाम से भी जानते हैं, इसके 30 क्वेश्चन पूछे जाते हैं और 30 अंक के रहते हैं। और भाषा 1 से यहाँ पर 30 क्वेश्चन पूछे जाते हैं और 30 अंक के रहते हैं। भाषा 2 से 30 क्वेश्चन पूछे जाते हैं और 30 अंक के रहते हैं। भाषा 1 भाषा 2 क्या है इस पर बात करेंगे। इसके अलावा गणित से 30 क्वेश्चन पूछे जाते हैं और 30 अंक के रहते हैं। पर्यावरण से 30 क्वेश्चन पूछे जाते हैं और 30 अंक के रहते हैं। यहाँ पर दोस्तों, भाषा से तात्पर्य ये है, तीन भाषाएं होती हैं, हिंदी, इंग्लिश और उर्दू। तो आपको भाषा 1 में आपकी मुख्य भाषा जैसे हिंदी सिलेक्ट करनी होती है, जो भी आपकी हिंदी, इंग्लिश, उर्दू हो, ठीक है। और सेकेंड भाषा में आपको आपकी दूसरी भाषा जैसे इंग्लिश, उर्दू आदि सिलेक्ट करनी होती हैं, ठीक है। तीनों भाषाएं भाषा 2 में रहती हैं, हिंदी, इंग्लिश और उर्दू। तो उम्मीद है आप इसे समझ चुके होंगे। यदि आप ऊपर देखेंगे तो लिखा हुआ है पात्रता परीक्षा हेतु 150 अंकों का एक प्रश्न पत्र होगा। परीक्षा की अवधि 2.5 घंटे होगी, ठीक है। 2 घंटे 30 मिनट इसकी अवधि होगी। प्रत्येक प्रश्न एक अंक का होगा। ऋणात्मक मूल्यांकन नहीं होगा, मतलब किसी भी प्रकार की माइनस मार्किंग मध्य प्रदेश शिक्षक भर्ती परीक्षा में नहीं होती है। पात्रता परीक्षा के सभी प्रश्न बहु विकल्पीय मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन होंगे, जिसमें 4 विकल्प दिए होंगे जिसमें से एक आंसर सही होगा, ठीक है। और परीक्षा की संरचना विषय वस्तु निम्नानुसार होगी, जिस पर हम पहले बात कर चुके हैं। इसके अलावा दोस्तों, और चलते हैं और देखते हैं कि इसका विस्तृत सिलेबस देखते हैं क्या रहता है सिलेबस। तो सबसे पहले बात करेंगे बाल विकास और शिक्षा शास्त्र की। तो दोस्तों, हम बाल विकास की यदि हम बात करते हैं तो बाल विकास में कौन कौन से चैप्टर मुख्य हैं यहाँ पर देख लेते हैं। बाल विकास की अवधारणा एवं इसका अधिगमन से संबंध, विकास और विकास के को प्रभावित करने वाले कारक, बाल विकास के सिद्धांत, बालकों का मानसिक स्वास्थ्य एवं व्यवहार संबंधी समस्याएं, वंशानुक्रम एवं वातावरण। ये दोस्तों, जब हम स्पेशल यहाँ पर क्वेश्चन लेकर आएंगे, स्पेशल क्वेश्चंस की सीरीज लेकर आएंगे, तो उसमें आपको बहुत ही आसानी समझ में आ जाएगा कि किस प्रकार की ये क्वेश्चन होते हैं और क्या लेवल होता है क्वेश्चंस का। तो दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले पाने के लिए। और दोस्तों, आप देख सकते हैं ये पूरा विस्तृत सिलेबस है, इसे आप वीडियो को पोस्ट करके पढ़ सकते हैं। इसका लिंक भी मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, तो वहां से आप डाउनलोड कर पाएंगे। इसके अलावा दोस्तों, बात करते हैं बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र में ये बा, तो यहां पर इसे 5 प्रश्न पूछे जाते हैं। समावेशी शिक्षा की अवधारणा एवं विशेष आवश्यकता वाले बच्चों की समझ, ठीक है। लाभान्वित एवं वंचित वर्गों सहित विविध पृष्ठभूमियों के अधिगमनकर्ताओं की पहचान, ठीक है। तो यहाँ पर 5-6 चैप्टर हैं, आप देख सकते हैं इससे 5 प्रश्न पूछे जाते हैं। और इसके अलावा जो यहाँ पर हमने बाल विकास देखा, इससे 15 प्रश्न पूछे जाते हैं। और अब देखते हैं यहाँ पर पेडागोजी की बात करते हैं हम शिक्षा शास्त्र की, तो इससे टोटल 10 प्रश्न पूछे जाते हैं। इस प्रकार बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र टोटल 30 प्रश्न पूछे जाते हैं।
आगे चलते हैं और देखते हैं हिंदी भाषा का सिलेबस क्या रहता है। ठीक है, तो हिंदी भाषा के सिलेबस की बात करें तो इससे टोटल 15 प्रश्न भाषाई समझ और अवबोध से और 15 प्रश्न यहाँ पर भाषाई विकास हेतु निर्धारित शिक्षा शास्त्र से। ठीक है, विस्तृत सिलेबस से आप वीडियो को पोस्ट करके पढ़ सकते हैं हिंदी भाषा का। ठीक है, अब बात करते हैं इंग्लिश भाषा की, अंग्रेजी की। तो अंग्रेजी से जो 30 क्वेश्चन पूछे जाते हैं उसमें दोस्तों कॉम्प्रीहेंशन से 15 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, पेडागोजी एंड लैंग्वेज डेवलपमेंट से 15 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इस प्रकार अंग्रेजी भाषा से 30 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। कॉम्प्रीहेंशन में यदि हम बात करें तो 2 अनसीन पैसेज पूछे जाते हैं। ठीक है, विथ क्वेश्चन ऑफ कॉम्प्रीहेंशंस ग्रामर एंड वर्बल एबिलिटी के बेसिस पर। और पेडागोजी की बात करें यदि हम तो लर्निंग एंड, ठीक है, इसे आप पढ़ सकते हैं वीडियो को पोस्ट करके। अब हम आगे चलते हैं वीडियो में और आपको जो उर्दू है उससे देखते हैं। उर्दू से 15 क्वेश्चन यहाँ पर पूछे जाते हैं, जामे सलाहियत पर मानवी सवालात, और 15 क्वेश्चन यहाँ पर जबान के नस्वोनुमान और तदरीसी तरीके। ठीक है, विस्तृत सिलेबस को आप वीडियो को पोस्ट करके पढ़ सकते हैं एक मिनट में। ठीक है, और इसका स्क्रीनशॉट भी आप ले सकते हैं। अब बात करते हैं दोस्तों गणित की। तो गणित में हम देखते हैं टोटल 30 क्वेश्चन पूछे जाते हैं गणित में। विषय वस्तु से संख्या की पद्धति, 1 करोड़ तक की संख्याएं, 10 लाख की संख्याओं का विस्तृत रूप व स्थानीय मान। ठीक है, जोड़ना व घटाना, 5 अंकों तक की संख्याओं का जोड़ना व घटाना, गुणा, 3 अंकों की संख्याओं से किसी संख्या में गुणा। ठीक है, इसके अलावा भाग 2 वाली संख्या से 4 अंकों वाली संख्या में भाग देना, विभिन्न भिन्न भिन्न अवधारणा, सरलतम रूप, सम भिन्न विषम भिन्न आदि भिन्नों का जोड़ना घटाना व गुणा भाग, वजन, धारिता, समय समय की गणना, पूर्वाहन व अवाहन के बीच करना। ठीक है, मुद्रा, पैटर्न संख्याओं पर संबंधित पैटर्न को समझना कर आगे बढ़ना, पैटर्न तैयार कर उसका क्रियाओं आधार पर सामान्यकरण। ठीक है, ज्यामिति, वृत्त, त्रिज्य, व्यास, परस्पर संबंध, समाकृति आदि पर क्वेश्चन पूछे जाते हैं। साथ ही साथ कुछ पेडागोजिकल इश्यूज हैं, इस पर गणित शिक्षण द्वारा चिंतन एवं तर्क शक्ति का विकास करना, पाठ्यक्रम में गणित का स्थान, गणित की भाषा, प्रभावी शिक्षण हेतु परिवेश आधारित उपयुक्त शैक्षणिक सहायक सामग्री आदि का निर्माण, मूल्यांकन की नवीन विधियाँ, गणित शिक्षण की नवीन विधियों का कक्षा शिक्षण में उपयोग करने की क्षमताएं। इसके अलावा दोस्तों पर्यावरण की बात करते हैं हम यहाँ पर, तो पर्यावरण से भी टोटल 30 क्वेश्चन पूछे जाते हैं और यहाँ पर 20 क्वेश्चन हमारा परिवार हमारे मित्र से। ठीक है, और इसका विस्तृत सिलेबस आप देख सकते हैं। खेल एवं कार्य से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो खेल, व्यायाम, पारिवारिक उत्साह, विभिन्न मनोरंजन साधन, किताबें, कहानियां, कठपुतली, प्ले, मेला आदि, विभिन्न काम धंधे, उद्योग और व्यवसाय से यहां पर टोटल 20 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, एक और 2 चैप्टर मेन है। और अब बात करते हैं आवास। ठीक है, आवास से हमारा भोजन, पानी और हवा, आवागमन और यातायात, प्राकृतिक वस्तुएं, उपज, मानव निर्मित संसाधन एवं उसके क्रियाकलापों का प्रभाव। तो दोस्तों ये चैप्टर हैं कुछ पर्यावरण में मुख्य। टोटल यहाँ पर दोस्तों 6 चैप्टर से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, आप देख चुके हैं 5 बाल विकास शिक्षा शास्त्र, भाषा 1, भाषा 2, गणित और पर्यावरण, 5 चैप्टर से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो दोस्तों उम्मीद है यह वीडियो आपको पसंद आई होगी। कंप्लीट सिलेबस था ये वर्ग 3 के सभी कैंडिडेट के लिए। दोस्तों बहुत जल्द हमारे चैनल पर यहाँ स्पेशल क्वेश्चंस की सीरीज़ के लिए वीडियो बहुत जल्द अपलोड की जाएंगी, तो उन वीडियो को देखना ना भूलें। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें और शेयर करें अपने दोस्तों तक ताकि उन्हें भी यह इंपॉर्टेंट वीडियो मिल पाए। तो चलिए दोस्तों मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो दोस्तों बहुत जल्द अपलोड की जाएगी हमारे चैनल पर। यदि
किसी भी प्रकार का आपका डाउट है तो आप उसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, और साथ ही साथ आपके आपके सुझाव सादर आमंत्रित हैं, तो कमेंट बॉक्स में आप अपने सुझाव भी दे सकते हैं। आपसे अब मुलाकात होगी इसकी अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।